मैंने आपको अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में बताया था, सबक नंबर एक अल्लाह ताला की निशानियाँ, और उसमें मैंने बताया था आपको कि अल्लाह ताला की निशानियाँ रवायत में बहुत सारी हैं, दिन का रात में बदलना और मौसमों का बदलना। अब हम लोग उसी चैप्टर के सफ़ा नंबर दो पर पढ़ाई करेंगे थोड़ी सी, उसकी चैप्टर समझेंगे कि इस सफ़े पर अल्लाह ताला की क्या निशानियाँ बयान की जा रही हैं, और हम इस सबक को कम्प्लीट करेंगे अपने आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। तो आप देखिए इसमें उस्ताद और तालिबे इल्म की गुफ्तगू के दरमियान इस लेक्चर के उनवान को अलग बताया जा रहा है। तो अब मैं इसमें आपको लाइन नंबर दो पे बताती हूँ, अल्लाह ताला कायनात का खालिक है। ये तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते सबको जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा करा है, हमारा खालिक भी अल्लाह ताला है, और ये कायनात दुनिया बनाने वाला भी अल्लाह ताला है। कायनात में पाए जाने वाली हर चीज़ अल्लाह ताला के वजूद की गवाही देती है। तो इस बात पर भी हम लोग का ईमान है कि जो भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, जो निज़ाम इस दुनिया में चल रहा है, वो सब अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। कायनात में मौजूद मुख्तलिफ निज़ाम अल्लाह ताला की अजीम निशानियाँ हैं, यानी ये जो निज़ाम है दुनिया में, जो मैं आपको आगे बताऊँगी वो क्या है, अल्लाह ताला की निशानियों में से है। जिनमें कौन से हैं, मसलन दौरे आग का निज़ाम यानी वाटर साइकिल, और दौरे खुराक का निज़ाम फूड साइकिल। इस तरह के वाटर साइकिल और फूड साइकिल को हम लोग अपने साइंस के सब्जेक्ट में भी कवर करते रहे, ठीक है। तो आप आगे देखिए, इन्हीं में से एक निज़ाम निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम भी है, जिसका सोलर सिस्टम का निज़ाम शमसी का इस तबक से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इसमें अच्छी तरह इसमें वजाहत के साथ भी आपको कुरान और हदीस की रोशनी में समझाया जा रहा है, ठीक है। अब हम देखें दौरे आग का निज़ाम यानी वाटर साइकिल क्या, इसमें अल्लाह ताला की निशानी क्या है। इसमें यह है कि देखिए आप गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो पानी है धूप के जरिए वेपर्स बन के और आपको फारात बन के ऊपर आसमान पर जा रहा होता है, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश की सूरत में वापस नीचे आ रहा होता है, हमारे पास जमीन में समंदर में पानी बारिश की सूरत में पहुंचता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो जमीन से आसमान की तरफ जाता है, फिर आसमान से दोबारा नीचे जमीन की तरफ आता है। तो इसमें मेरा आपका हम वैसे इंसानों का कोई भी इख्तियार नहीं है, ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार के मुताबिक होता है, अल्लाह ताला को इसका इख्तियार है, ठीक है। यही अल्लाह की एक वाज़ा निशानी है कि वो इन निज़ामों को चला रहा है। और दूसरा निज़ाम उन्होंने वाजा कर बताया है दौरे खुराक का निज़ाम। अब हम देखते हैं छोटा सा बीज हम अपने ज़मीन पर लगाते हैं, फिर उसमें से एक प्लांट निकलता है, बेबी प्लांट निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम उसका केयर करते हैं, पानी डालते हैं उसको, धूप सूरज सब चीज़ें मिल रही होती हैं, उसको बचाया भी जा होता है, शेडों की ज़रूरत होती है, शेड में रखा जाता है। तो फिर ये कि उसमें से पौधा निकलता है और उसमें खुराक पैदा होती है, और फिर वो खुराक हमारे लिए हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। तो ये तमाम निज़ाम ये सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, जो हमारी ज़िंदगी गुजारने में हमें मददगार है। और इसी तरह निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम, अब इसको देखिए निज़ाम शमसी से मुराद वो निज़ाम है जो सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सैयारों पर मुश्तमिल है। सूरज के गिर्द 8 सैयारे गर्दिश करते हैं, हमारी ज़मीन में इनमें से एक है, ठीक है। हमारी हम ज़मीन जिस पर रहते हैं वो भी एक सैयारा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर सैयारे के घूमने के लिए एक ख़ास रास्ता मुकर्रर किया है, ठीक है। यानी जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हुदूद, उसी रास्ते में वो सैयारा घूम रहा है, जिसे क्या कहते हैं, मदार कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। हर सैयारा अपने मदार में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गर्दिश करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह यासीन की आयत नंबर 40, ना सूरज की मजाल है कि वो चांद से टकरा जाए और ना रात दिन से पहले आ सकती है, ये सब मुकर्रर दायरों में गर्दिश कर रहे हैं। यानी ये जो सोलर सिस्टम का निज़ाम शमसी का जो निज़ाम है, इसको भी अल्लाह ताला ने 8 मदारों के 8 सैयारों को अपने अपने मुकर्रा हुदूद में गर्दिश करने के लिए छोड़ा है। तो वो उधर ही मूव करते हैं, उधर ही मूवमेंट करते हैं, अपनी गर्दिश करते हैं, बजाय इसके कि इधर एक दूसरे से टकरा जाए। ये सब अल्लाह ताला के अख्तियार में, अगर मैं और आप किसी चीज़ को रखते भी हैं तो वो हवा से और दूसरी चीज़ों से टकरा कर आपस में मिल भी सकती है, मगर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम पैदा करा है कि वो नहीं टकराते। अब दूसरे पेज पर सफ़ा नंबर 3 पर हम आगे देखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ये उसी अल्लाह की रहमत है जिसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाया ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो।
ये सूरतुल कसस है, इसकी आयत नंबर 73 है। इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसने रात दिन क्यों बनाया, ताकि हम रात में अल्लाह ताकि हम दिन में की रोशनी में अपने जरूरियात पूरी करें, अपने कामों को और है ना अल्लाह की इबादत में सर्व करें, और दिन में ये काम करने के बाद रात को हम अपने आराम और सुकून हासिल करें, अपनी नींद पूरी करें, और ताकि दूसरे दिन के लिए हम दोबारा से तवाना हो जाए। अब इसमें हम आगे देखते हैं, आगे के पैराग्राफ में हम मिनटों घंटों महीनों और सालों का तायुन जमीन सूरज और चांद की हरकत से ही करते हैं। जी जनाब, समझ में आया आपके कि हम जो अपने मिनट सेकंड्स महीने साल ये जो हमारे सब चेंज होते हैं, ये सब हम किसकी वजह से करते हैं? सूरज और जमीन, सूरज और चांद की हरकत यानी इनकी गर्दिश को ऐसे करते हैं। जब ये मूव होते हैं तो हम फिर हम अपना तायुन करते हैं, हमें पता चलता है कि अब कौन सी डेट है, अब कौन सा महीना है या कौन सा साल शुरू हुआ है। हमारी जमीन अपने मरकज के गिर्द एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है, इसे हम एक दिन शुमार करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जमीन अपने मदार में सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, इसे हम शमसी साल कहते हैं। चांद का जमीन के गिर्द एक चक्कर 29 या 30 दिनों में पूरा होता है, इसे हम कमरी साल कहते हैं, हम कहते हैं ना इस्लामी महीना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी बात को इस तरह बयान फरमाया है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 5, वही अल्लाह है जिसने सूरज को रोशन और चांद को चमकदार बनाया, चांद के घटने, ये घटने लिखा है यानी कम होने, और बढ़ने की मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम इसे इससे बरसों और तारीखों का हिसाब मालूम करो। बरसों यानी सालों और तारीखों का हिसाब मालूम करो, यानी अब हम जो देखते हैं हमारा मंथ चेंज होता है कि अब जून के बाद जुलाई आ गया, जुलाई के बाद अगस्त आ गया, या इसके बाद हम देखते हैं अपने इस्लामी सालों में कि जैसे अब ज़िलहज का महीना शुरू हुआ है, तो इसमें चांद का हिसाब किताब होता है कि चांद नज़र आया या नहीं आया, तो ये सब अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा निज़ाम है, ये उसी के हिसाब से हमें इस चीज़ में हेल्प मिलती है। तो आप इसको पढ़िएगा अपने तौर पर और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इन तर्जुमों को अच्छे से समझिएगा। इसमें आप लोगों को मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4 पर आपको सरगर्मी दी गई है दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं। अब हम चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हम आराम से इसको फिल कर सकते हैं। पहला है आपका, कायनात में पाई जाने वाली हर चीज गवाही देती है। नंबर 1 है, वजूद बारी ताला की, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के सच्चा होने की, क्यामत के बरहक होने की, इंसान की अजमत की। तो हमने सबक में पढ़ा और हम वैसे भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के कायनात में पाई जाने वाली हर चीज गवाही देती है वजूद बारी ताला की। अब इसका बे है, वो निज़ाम जो सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सैयारों पर मुश्तमिल है कहलाता है। क्या कहलाता है? जो सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारों पर होता है, दौरे आग का निज़ाम, दौरे खुराक का निज़ाम, मौसम और तब्दीली का निज़ाम, या निज़ाम शमसी। तो ये तो हम अभी समझ कर आ रहे हैं निज़ाम शमसी का निज़ाम, ठीक है। अब इसके बाद है जीन, अल्लाह ताला ने हर सैयारे की गर्दिश के लिए जो रास्ता मुकर्रर किया है इसे कहते हैं। ये भी हम समझ कर आ रहे हैं पीछे चैप्टर में। पहला है मदार, फिर है पगडंडी, राहदारी या पुल। जाहिर सी बात है हमने मदार समझा है, पढ़ा है और अभी देखा भी है, तो ये मदार आएगा, इस पर हम मदार पे टिक करेंगे। फिर आता है हमारे पास दिन और रात के आने जाने का सबब है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सूरज की हरकत, जमीन की हरकत, चांद की हरकत, या तमाम सैयारों की हरकत। तो फिर हम इसको टिक करेंगे जमीन की हरकत पर, ठीक है। अब आते हैं, अल्लाह ताला ने रात बनाई मेहनत के लिए, खेल कूद के लिए, काम काज के लिए, या आराम के लिए। तो सब ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं और आगे पढ़कर भी आ रहे हैं आयत के तर्जुमे में आराम के लिए। यह आपका हो गया, इसको आप बुक में ही सॉल्व करेंगे, टिक मार्क करेंगे सही। और अब मैं आपको आपका होमवर्क के हवाले से थोड़ा सा बताती हूँ, आप लोग देखें, ये आप लोगों की वर्कशीट है जो आप लोग स्कूल से लेंगे, ठीक है। आप लोग आएँ और स्कूल से इसको लेके जाएं और इसे फिल करें। इसको पहला सवाल जो है आपका आयत का तर्जुमा लिखें, तो इसमें आप आयत का तर्जुमा आपको सूरह आले इमरान आयत नंबर 190 मिल जाएगा आपकी बुक से ही, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरा आपके पास है सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले 8 सैयारों के नाम लिखिए, तो ये आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, समझेंगे और उर्दू में ही इसमें सैयारों के नाम आप लिखेंगे, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पेज आप देखते हैं, इसका पेज नंबर 2 पर आपको बताया पूछा जा रहा है, आपसे बताया जा रहा है
निजाम शमसी की तस्वीर बनाए चिस्पा करें, यानी आप बना भी सकते हैं या लगा भी सकते हैं, और सूरह यासीन की आयत नंबर 40 का तर्जुमा लिखें, ये भी आपको आपकी बुक से ही मिल जाएगा, और आप इसमें लगाकर और इसका तर्जुमा लिखेंगे, और अपनी वर्कशीट पे प्लीज अपना नाम जरूर लिखेगा, ठीक है, और आप इसको लेकर इसको फिल करें और अपने चैप्टर को पढ़ें और समझें, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके मैं मजीद वर्किंग बताऊंगी। और इससे पहले आप ना अपनी कॉपी कोई भी रफ कॉपी लेके या पुरानी सारी कॉपी लेकर उसमें अपना जो पहले लेक्चर में मेरा सिलेबस दिया गया है उसको लिखिए, ताकि फिर मैं हम आगे काम करें तो हमें आगे मदद मिल सके। अपना टाइटल पेज बनाइए और अपना निसाब लिखिए, सिलेबस लिखिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।